मेरा घर ढीवर है, थाना फतेहपुर, जिला गया। मैं ढीवर के रहने वाली हूँ। मेरे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। मेरे सास ससुर गोतनी, मेरा ससुर का नाम राजकुमार गिरी, मेरी सास कृष्णा देवी, मेरी गोतनी शोभा देवी, मेरा भाई सो परशुराम गिरी, लोग मिलकर बहुत ज़्यादा मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। मेरे पति यहाँ रहते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा और टॉर्चर करते हैं घर में। अघाड़ी ग्लोज पूरा गंदा गंदा गाली देते हैं, मुझे लांछन लगाते हैं। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल का लड़का, 3 साल का लड़का है मेरा, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं थाना का चक्कर काटते काटते थक चुकी हूँ, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। प्लीज़ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। थाना भी जाती हूँ, दिलासा दिलाते हैं कि जाओ हम आ रहे हैं, जाओ हम आ रहे हैं, मगर थाना भी नहीं पहुँचते हैं। मैं महिला थाना भी गई, वहाँ से भी कोई कुछ नहीं किया। इन लोग को बुलाता है, बाकी लोग जाता नहीं है थाने पे। घर में मेरे साथ पूरा गाली गलौज मारपीट मेरे साथ करते हैं, मुझे बाहर निकलना मुश्किल कर रखे हैं इन लोग। मेरे पति को फोन करके गाली दिलवाते हैं गांव वाले से। मेरे पति को धमकी देता है कि तेरी घरवाली को मारूंगा, घर में से खींच के तेरी पत्नी को मारूंगा, ऐसे करूंगा, उसे करूंगा। गाली देते हैं, गंदा गंदा लांछन लगाते हैं मेरे ऊपर, बिल्कुल बेसिया का नाम दे रखा है मेरे को। प्लीज़ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे हेल्प कीजिए। मेरे पति यहाँ रहते नहीं हैं। मेरे सास ससुर गोतनी भैंसुर कुछ दिन पहले मेरे देवर को दारू पिला के घर में हिला दिया था मेरे को मारने के लिए। कल 11 तारीख को, 11 तारीख पहला महीना 2023, कल संतोष सिंह मुझे गंदा गंदा गाली दिया। ढीवर का रहने वाला है, ढीवर का वो राजपूत है, संतोष सिंह उसका नाम है। उसने मुझे गंदा गंदा गाली दिया, मेरे पति को भी गाली दिया, और फ़ोन करके बोला कि मेरे कि तुम्हारे पत्नी को घर से खींच के मारेंगे, तो ऐसे करेंगे, उसे करेंगे, उससे वो। उसने मुझे भरल सावा में रोड पे मुझे गाली दिया गंदा गंदा, बिल्कुल मारने के लिए मुझे दौड़ रहा था। बाकी गांव वाले ने कुछ नहीं किए कि हाँ एक औरत के साथ तुम लोग क्यों ऐसे कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोला, गांव वाला भी नहीं। बिल्कुल भरल सावा में मुझे बेइज्जती किया, बाकी कोई कुछ नहीं बोला। ढीवर का लोग, प्लीज़ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे हेल्प कीजिए। थाना भी कुछ नहीं करते, महिला थाना भी।